जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों अभी फिलहाल हमारे देश में कई वंदे भारत जो कि चेयर कार वाली चल रही है, लेकिन अभी इंडियन रेलवे लोगों को एक और बड़ी खुशखबरी देने वाली है जो कि स्लीपर वर्जन वाली वंदे भारत लॉन्च करने की तैयारी में इंडियन रेलवे पूरे जोर शोर से लगी हुई है। तो कहां का स्लीपर वर्जन वाली वंदे भारत की तैयारी चल रही है, कौन कौन सी कंपनियां इस काम में लगी हुई है, फुल डिटेल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे अपनी प्रीमियम ट्रेनों की सुविधा देने के क्रम में लोकप्रिय वंदे भारत का नया स्लीपर जल्द लाने की तैयारी में लगी हुई है। यह प्रोजेक्ट एसी चेयर कार वंदे भारत एक्सप्रेस के सफलता के बाद आया है, जो यात्रियों को रात के दौरान आरामदायक नींद लेने का मौका देगा। वर्तमान में चल रही वंदे भारत ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, जबकि वंदे भारत स्लीपर को लंबे रूट पर रात में यात्रा के लिए नहीं चलाया जा सकता। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन राजधानी ट्रेनों की जगह ले सकती है। रेलवे के अनुमान है कि अगले 24 महीनों में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। रेलवे विकास निगम RVL में GM मैकेनिकल आलोक कुमार मिश्रा ने इंटरव्यू में बताया कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर तेजी से काम चल रहा है। वर्तमान में चेन्नई के ICF कोच फैक्ट्री प्रोटोटाइप स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का काम वहां पर चल रहा है। इसे लगभग 24 महीने में तैयार कर लेने का उम्मीद अभी जताया जा रहा है। इसके अलावा 200 वंदे भारत स्लीपर सेट बनाने की महत्वपूर्ण पहल भी रही है। रेल विकास निगम रूस की कंपनी TMH के साथ लातूर में रेलवे की कोच फैक्ट्री में 120 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के निर्माण की टीटागढ़ वैगन्स और भेल मिलकर बाकी 80 ट्रेनों का निर्माण कर रही है। इसी तरह कुल 200 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को बनाए जाने की प्रक्रिया प्रगति पर है। RVNL TMH ने प्रति ट्रेन यानी कि एक ट्रेन के सेट को 120 करोड़ रुपए की कीमत बताकर कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, जिसमें 3500 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट में 120 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का निर्माण और 35 वर्ष की अवधि तक इसका रख रखाव शामिल है, ताकि उसमें मेंटेनेंस भी उसी कंपनी की ओर से है कि 35 वर्षों तक उसकी देखरेख वही कंपनी करेगी। RVNL में GM मैकेनिकल आलोक कुमार के अनुसार प्रोजेक्ट अगस्त के अंत तक शुरू हो जाएगा और अगले 2 वर्षों के भीतर इस ट्रेन को बनाकर तैयार करने की योजना है। उन्होंने कहा कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत का उद्देश्य यात्रियों को रात में आरामदायक और तेज यात्रा की सुविधा देना है। ऐसे अनुमान है कि यह स्लीपर ट्रेन राजधानी ट्रेनों की जगह ले सकती है। इंडियन रेलवे द्वारा एक नोटिफिकेशन आया था, जिसमें अगले साल यानी कि 2024 के मार्च तक स्लीपर वर्जन वाली वंदे भारत ट्रेन को इंडियन रेलवे लॉन्च करने पर लगी हुई है। तो कुछ ज्यादा समय अब बाकी नहीं है, इसलिए कि अगस्त का महीना लमसम खत्म होने वाला है और मार्च आने में कुछ ही 5 महीना का समय अब बाकी है। इसलिए इंडियन रेलवे स्लीपर वर्जन वाली वंदे भारत पर लगी हुई है, इसलिए कि समय भी बहुत कम है और चेयर कार वाली वंदे भारत के अपार सफलता के बाद अब इंडियन रेलवे स्लीपर वर्जन वाली वंदे भारत लॉन्च करने के लिए पूरी जोशो खरोश के साथ लगी हुई है और उम्मीद है कि अगले साल यानी कि 2024 के मार्च तक इंडियन रेलवे इस स्लीपर वर्जन वाली वंदे भारत को लॉन्च कर दे। तो दोस्तों फिलहाल ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्लीपर वर्जन वाली वंदे भारत पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।